अब पिज्जा का स्वाद बढ़ाएगा स्वदेशी ओरिगैनो, सीम या वैज्ञानिकों ने इजाद की नई प्रजाति सिम सुदीक्षा। पिज्जा और पास्ता के स्वाद में इजाफा करने वाली विदेशी हर्ब ऑर्गेनो अब स्वदेश में ही तैयार होगी। इसके लिए केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमैप के वैज्ञानिकों ने नई किस्म सिम सुदीक्षा विकसित की है। इसे 30 जनवरी को लखनऊ में सीमैप के वार्षिक दिवस में किसानों के लिए उपलब्ध भी करा दिया गया है। इस प्रजाति को विकसित करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकटेश केटी ने बताया कि इसमें कारवा क्रॉल पत्तियों में पाया जाने वाला रसायन की मात्रा 53 से 63% तक है। यह ऑरिगेनो पिज्जा पास्ता समेत कई खाद्य सामग्री में बतौर टॉपिंग्स इस्तेमाल होता है। अभी बाहरी देशों से इसका आयात होता है। देश में इसकी कोई देसी प्रजाति नहीं जो व्यावसायिक आधार पर उगाई या बेची जा सके। सीमैप के वैज्ञानिक 6 वर्षों से शोध पर कार्य कर रहे थे। वैज्ञानिकों का दावा है कि स्वदेशी ऑरिगेनो प्रचलित प्रजातियों से अधिक दमदार है और इसकी उपज प्रचलित प्रजातियों से 10-15% तक अधिक होगी। टीम हेड डॉक्टर वेंकटेश केटी के नेतृत्व में डॉक्टर आरसी पडलिया, डॉक्टर आरएस वर्मा, डॉक्टर तृप्ता झांग, डॉक्टर आरके उपाध्याय और डॉक्टर दीपेंद्र कुमार आदि वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी पैदावार की संभावनाएं अधिक है। फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जानवर नहीं खाते हैं, लिहाजा किसानों के लिए भी मुफीद। तेल की मात्रा अधिक व 4 महीने में फसल तैयार होती है। सिम सुदीक्षा की पौध नर्सरी में कटिंग के जरिए तैयार कर सकते हैं। अक्टूबर में पौध तैयार की जाएगी और दिसंबर में खेतों में लगाया जाएगा। ऑरिगेनो का तेल एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट और इंसेक्टिसाइडल है। इसका इस्तेमाल फ्लेवर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। इसकी सूखी पत्तियों का इस्तेमाल मसाले, टॉपिंग्स या हर्बल टी में इस्तेमाल होता है।